दोस्तों आज हमारे पास ये मॉडल आया हुआ है जियो फोन का 211S। और इस फोन में जो मेन प्रॉब्लम है ये है सिम इंसर्ट की, जो है सिम नहीं बता रहा इस फोन में। तो सिम ना बताने की दो वजह होती हैं, एक तो इसकी लाइंस कट जाती हैं इसकी वजह से हो सकता है, या तो फिर IMEI नंबर जो होता है वो मिस हो जाता है उसके कारण होता है। तो सबसे पहले आपको IMEI नंबर चेक कर लेना है, इसके बाद ही आप लोग को यहाँ पर वर्क करना है। तो हम यहाँ पर हमने चेक कर लिया अपना IMEI, और अब इसको हम यहाँ पर इसकी सारी लाइन ट्रैक करेंगे कि हमारी सारी लाइन आ रही है इसमें कि नहीं आ रही है। इसके बाद ही हम इस फोन को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लिया है। अब हम इसकी जो है रीडिंग चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर जो है रीडिंग चेक कर लेते हैं, सारी रीडिंग जो है आपको क्लियर आनी चाहिए है, जितने भी सिम ट्रैंक के पॉइंट होते हैं। तो हम इसको जो रेड वाला प्रूफ है इसको रख लेते हैं ग्राउंड पे, और इसकी मदद से हमने ग्राउंड ब्लैक वाले से हमको सारी की रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ये पॉइंट एकदम सही है। इसके बाद इस पॉइंट की रीडिंग लेते हैं, ये भी सही है, और इसके बाद ये पॉइंट में रीडिंग आपका शो नहीं करेगा, ये अधिकांश खाली रहता है। ये अधिकांश एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला जो है ये खाली होता है, इसके बाद जो ये पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ सारी लाइन जो है क्लियर आ रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस साइड चेक करते हैं, तो हमारी इस साइड भी रीडिंग आ रही है और यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है हमारी। अब ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाले में है एक भी रीडिंग नहीं आ रही है यहाँ पर, इसके कारण जो है सिम वर्क नहीं कर रहा है, इस पर रीडिंग एक भी नहीं आ रही है। तो इसे हम ट्रैक करेंगे और आपके मैं आपको भी बताऊंगा कि आपका इनमें से कोई भी पॉइंट मिस हो तो आप कहां से कहां जम्पर दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहां पर इस लाइन का जो सर्कल आया हुआ यहां से आया हुआ, तो यहां से आप चेक कर लेना, यहां से यहां तक अगर यहां से कोई मिस्टेक है तो यहां से यहां तक आप जम्पर कर सकते हैं, और अदरवाइज इस लाइन में कोई मिस्टेक है तो यहाँ से यहाँ तक आप जम्पर कर सकते हैं, ये इजीली आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक दो तीन लाइंस का मैं आपको यहाँ पर ट्रैक करके बताता हूँ कि ये लाइंस कहाँ से आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इसे हटा लेना है, हटा लेने के बाद जो ये है यहाँ से आया हुआ तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो है इसे रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा उठा देते हैं, इसके बाद वापस यहाँ पर सेट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे हाल हैं, तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो क्लीन कर लिया है, अब इसका ट्रैक हम बताते हैं आप लोग को कहाँ से कहाँ पर देना है। पहले मैं आपको सारी लाइन जो है चेक करा देता हूँ कि सारे ट्रैक कहाँ से कहाँ आते हैं, और आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा कि आप कहाँ से कहाँ जम्पर कर सकते हैं। तो जैसे पहला वाला है तो पहले वाले का चेक करते हैं, तो पहले वाले के देख सकते हैं यहां पर आया हुआ है, जो पहले वाले का है ये आया है फर्स्ट से सेकंड वाले में, ठीक है। और इसके बाद हम यहां पर दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, अब दूसरा वाला आया हुआ फर्स्ट में, और जो ये दूसरा वाला है ये आया हुआ है यहाँ फर्स्ट में, ये फर्स्ट वाले पॉइंट पे। अब जो हमें फाइंड करना है इसका, तो जो ये हमारा नहीं आ रहा है इसको फाइंड कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है अगर फर्स्ट वाला कटता है तो यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसका लाइन जो है नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, इसका यहां से जम्पर लेकर
यहाँ से जम्फर लेकर ये फर्स्ट वाले में आप लोग को लगा देना है, ये फर्स्ट वाले में आपको लगाना है। चलो हम यहाँ पर लगा दिखाते हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक हमने जम्फर कर दिया, अब इसे यहाँ पर बंद कर देते हैं। आप लोग को वीडियो चेक करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड पर रख दिया। अब इस पॉइंट पे जो रीडिंग नहीं आ रहा था, देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग आने लगा है। हम सिम इंसर्ट करके आप लोग को ऑन करा के दिखाते हैं कि फोन ऑन होता है कि नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पर सिम जो है प्रॉपर बताने लगा और जियो भी लिख के आ गया, वोल्टी भी आने गया। और इस तरीके से आप जो है इस फोन को आराम से, बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।